तो गाइस आज की इस रिएक्शन में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि आज की ये जो रिएक्शन करने वाला है इसमें हमारे बहुत सी चीज़ें हैं और ये जो रिएक्शन होने वाली है बहुत ही मस्त होने वाली है। और गाइस आपको इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, क्योंकि आज है हमारे पास शैम्पूज, इतने सारे बैलून्स और ये हमारे पास है विनेगर की बॉटल, और गाइस ये हमारा लास्ट वन बेकिंग सोडा का डिब्बा। गाइस मैं बैठे बैठे सोच रहा था क्यों ना वैसे ही थोड़ा अमेजिंग वीडियो बनाया जाए, तो गाइस ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। तो गाइस यदि आपको इस वीडियो में मजा तो हमारी वीडियो कर दीजिए लाइक, और अभी तक आपने हमारे चैनल को ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करिए, नीचे वाले घंटे को हिला दिया, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। और गाइस ये हमारे पास बैलून्स हैं, इसमें किसी एक बैलून में भर लेते हैं ये बेकिंग सोडा अपना। तो गाइस सबसे पहले हम इस ये जो हमारे पास शैम्पूज है इनको पहले डाल देंगे इसमें। और गाइस अब करना है क्या, सिंपली से इसके अंदर जो हमने बेकिंग सोडा भरा हुआ है ये वाला जो था हमारे पास, और गाइस इसमें हमने कर दिया टेपिंग। ये आप देख सकते हैं, और ये गाइस अब इसको हम डालने वाले हैं इसके अंदर। वाओ गाइस में गैस बनना शुरू हो गई है, और ये आप देख सकते हैं। वाओ गाइस आप ये देख सकते हैं कैसा ये निकल रहा है। वाओ गाइस इससे हम कुछ कमाल धमाल करते हैं। तो गाइस इसी आज कोल्ड ड्रिंक से कमाल धमाल करने वाले हैं, और गाइस हम सिंपली से करने वाले क्या वाले हैं कि हम इससे आज बनाने वाले फाउंटेन। तो गाइस सिंपली से पहले क्या करेंगे, ये जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें हैं इनमें हम सब डाल लेंगे, ये सब कोल्ड ड्रिंक इसमें डाल लेंगे हम। सिंपली से क्या करेंगे, ये हमारा बेकिंग सोडा है हम इसमें डालेंगे, तो गाइस हमने ये यहाँ कागज की कुछ कोन बना लिए जिससे कि हमारा जो बेकिंग सोडा बाहर ना निकले। तो गाइस चलिए डालते हैं। तो